नमस्कार, मैं कोमल शेखावत, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज 24। खबर है बुलंदशहर से, जहां लूटपाट चोरी करने वाले गिरोह के 3 शातिर सदस्य हुए गिरफ्तार। देखते हैं हमारी खास खबर। भिन्न भिन्न लूट चोरी की घटनाओं से संबंधित 57,500 नगर आभूषण व अवैध असला पुलिस ने किया बराबर। थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान सूचना पर नुमाइश मैदान रेलवे लाइन के पास से 3 शातिर लुटेरों को चोरी की घटना से संबंधित आभूषण, नकदी व अवैध असला मय कारतूस सहित किया गिरफ्तार किए गए अभियुक्त श के नाम दिलशाद उर्फ मोगिया पुत्र देवीलाल निवासी ग्राम प्रकाश नगर थाना सिविल लाइन जनपद दत्तीय मध्य प्रदेश निंद कपूर पुत्र सुगंध लाल निवासी ग्राम सिंह वाला थाना कैंट जनपद गुना मध्य प्रदेश बाल अपचारी। पुलिस ने इनके कब्जे में से एक चैन पीली धातु, एक अंगूठी पीली धातु, एक पायल सफेद धातु, एक सिक्का सफेद धातु, 57,500 रुपए कैश बरामद किए। ये दो व्यक्ति कोतवाली नगर की टीम द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं। एक गिरदार है और एक नीत कपूर है, जो एक गुना का रहने वाला है, एक दतिया का रहने वाला है। ये लोग डेरा डाल करके अलीगढ़ में कहीं रहते हैं और आसपास के जनपदों में घूम करके जो पत्नी से लेकर के चोरी तक की घटनाएँ करते हैं। कहीं शादी विवाह हो रहा तो उसमें भी इनके अपने बच्चों को घुसा करके और वहाँ पर चोरी घटनाएँ कराते हैं। इस प्रकार से एक अच्छा सक्रिय गिरोह इन्होंने पकड़ा है, जिसमें काफ़ी बरामदगी हुई है। इसमें करीब 6 मुकदमों का अभियोग जो है का कनेक्शन से जुड़ा हुआ है, उनका खुलासा हुआ है। इसमें बरामदगी के रूप में चेन, अंगूठी, पायल, चांदी का सिक्का और करीब 57,500 रुपये बरामद हुआ है। इनके पास से तमंचे और कारतूस भी बरामद हुए हैं। इस प्रकार से एक अच्छा गिरोह जो सक्रिय था आसपास के जनपदों में, उनका खुलासा हुआ। इनके पूर्व की ही क्रिमिनल हिस्ट्री है और पता भी की जा रही है। इनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करें। इनका आपराधिक इतिहास क्या है? आपराधिक इतिहास जैसा कि प्रश्न नोट में भी आपको लिखा हुआ है कि एक के ऊपर 9 मुकदमे हैं, एक ऊपर 6 मुकदमे हैं और अन्य के ऊपर भी मुकदमे हैं। उनका और विवरण भी प्राप्त किया जा रहा है, जैसा अभी पूछताछ में पता चला कि आगरा से भी एक बार जेल गए हुए हैं। अन्य जनपदों से भी हो सकता है, जिसके बारे में भी पता किया जा रहा है। तमंचा भी कुछ बरामद हुआ? हाँ, बताया जैसा मैंने आपको कि तमंचा और कारतूस भी इनके पास है।